सत श्री अकाल नमस्ते वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो रहेगी न्यूट्रिशनल वीडियो। इसमें मैं आपको पूरी रेसिपी दिखाने जा रहा हूँ मसल बिल्डिंग मील के ऊपर, पोस्ट वर्कआउट स्मूदी जिसमें मैं अराउंड 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, लीन वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज, क्या क्या वो सोर्सेज हैं जो मैं इस रेसिपी में यूज़ करने जा रहा हूँ, आज सभी सीक्रेट आप लोगों के साथ मैं रिवील करने जा रहा हूँ। सो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने पूरी कैलकुलेशन कर रखी है कि वो सब इंग्रेडिएंट्स जो मैं इस मील में यूज़ करूँगा उसकी क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, कितनी उसमें कैलोरीज हैं, कितने प्रोटीन, कितने फैट्स और कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लेकिन वो सब सीक्रेट्स आपको बताने से पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब हम बात करते हैं मसल बिल्डिंग की तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन चाहिए एक मसल बिल्ड करने के लिए। लेकिन गाइस, जब आप वर्कआउट करते हैं आपकी बॉडी बहुत सारा ग्लाइकोजन डिप्लीट करती है। जब तक आप उस ग्लाइकोजन को रीफिल नहीं करते जो आपने वर्कआउट के दौरान डिप्लीट किया है, तब तक आप अपनी रिकवरी नहीं कर पाते। सो एक सिंपल सी साइंस है, जो आपने ग्लाइकोजन डिप्लीट किया है उसको रिपेयर करने के लिए आपकी पूरे मसल को कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और गुड फैट्स, तीनों चीज़ों, तीनों माइक्रोस की ज़रूरत है। जो उसमें से प्रोटीन रहेगा वो सिर्फ आपके मसल को जाएगा और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपके रिपेयर करेंगे जो आपने ग्लाइकोजन डिप्लीट किया है, और जो गुड फैट्स हैं वो आपके बॉडी में एंजाइम्स पैदा करते हैं जिसकी वजह से आपका ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छी तरह से काम करता है। सो इस मील में, जो भी रेसिपी में हम जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे उस सब में लॉट्स ऑफ गुड फैट्स हैं एंड लोड्स ऑफ ओमेगा 3 वेज सोर्सेज हैं। बीइंग अ वेजिटेरियन मैं अपना प्रोटीन कैसे पूरा करता हूँ, सो लास्ट वीडियो में आपने देखा है रेसिपी में मैंने अराउंड 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लिया है। सो इस रेसिपी में मैं आपको 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इनटेक करके दिखा रहा हूँ। सो ये मेरा पोस्ट वर्कआउट मसल बिल्डिंग स्मूदी है। सो जो लोग मसल बिल्ड करना चाहते हैं उनको एक प्रॉपर मील चाहिए जिसमें पूरे कार्बोहाइड्रेट्स, पूरा प्रोटीन और पूरे गुड फैट्स हों। सो दिस इज़ अ सॉलिड मील। सो ये रहेगा आपका पोस्ट वर्कआउट मसल बिल्डिंग स्मूदी। सो इस वीडियो को देखिए, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, सो इसके टोटल न्यूट्रिशनल फैक्ट्स और टोटल मैक्रोस मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। दिस इज़ अ वीगन प्रोटीन जिसमें अराउंड 124 कैलोरीज हैं, 24 ग्राम लीन प्रोटीन है, 2 ग्राम फैट्स और 3 ग्राम कार्ब्स हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं रेसिपी में 10 बादाम, 6 काजू, 2 वॉलनट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, 1 स्मॉल साइज बनाना, 1 टेबलस्पून पीनट बटर और 20 ग्राम अनसॉल्टेड रॉ पीनट्स भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, 1 लो फैट मिल्क का ग्लास भी मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड 1 टीस्पून फ्लैक्सीड, 1 टीस्पून चिया सीड्स एंड इसके साथ मैं यूज़ करने जा रहा हूँ 50 ग्राम्स, हाफ कप ऑफ ओट्स। इसमें आपको सिंपल कार्ब्स भी मिलने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी मिलने जा रहे हैं, हाई प्रोटीन भी मिलने जा रहा है और इसके साथ आपको लॉट्स ऑफ गुड फैट्स एंड वेजिटेरियन ओमेगा 3 भी मिलने जा रहा है। इसकी टोटल कैलोरी इनटेक आफ्टर कैलकुलेशन जो मैंने किया है, आपकी कैलोरी इनटेक है अराउंड 986 कैलोरीज जिसमें 61 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 45 ग्राम्स ऑफ गुड फैट्स, 15 ग्राम आपके सिंपल कार्ब्स हैं जो कि बनाना से मिलते हैं एंड रेस्ट ऑफ द 55 ग्राम ऑफ कार्ब्स आपको मिल रहे हैं जो भी सभी आपने नट्स यूज़ किए हैं, सीड्स यूज़ किए हैं, ओट्स यूज़ किए हैं, रेस्ट ऑफ द कार्ब्स आपको इन सोर्सेज से मिल रहे हैं। सो ये एक परफेक्ट मसल बिल्डिंग मील है। बेस्ट टाइम इसको लेने का पोस्ट वर्कआउट है। इस वीडियो में एक हिडन इंग्रेडिएंट जो है ओरियो बिस्कुट, वो आपने देखा होगा मैंने इसको यूज़ नहीं किया इस रेसिपी में। सो कौन लोग हैं जो ओरियो बिस्कुट को यूज़ करेंगे? सो गाइस, बेसिकली जो लोग बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, जो लोग एक्टोमोर्फ हैं, जिनके लिए वेट गेन करना बहुत ही मुश्किल है, ये हिडन इंग्रेडिएंट ओरियो बिस्कुट सिर्फ उनके लिए है। अगर आप एंडोमोर्फ हैं तो प्लीज़ आप बिस्किट्स मत यूज़ कीजिए, क्योंकि ये बेसिकली मैंने ऐड किया है जिनको ज़्यादा कैलोरी इनटेक करनी है लेकिन वो ज़्यादा खा नहीं पाते, तो वो इस स्मूदी में
ओरियो के स्मॉल पैक 10 रुपये वाला पैक जिसमें 5 बिस्किट्स हैं वो ऐड करेंगे। सो इससे आपकी शुगर इनटेक बढ़ जाएगी, आपकी कैलोरीज बढ़ जाएंगी। सो जो लोग पतले हैं उनके लिए ये बिल्कुल सही रहेगा कि वो ओरियो ऐड कर लें स्मूदी में। रेस्ट ऑफ द पीपल डोंट यूज़ ओरियो इन योर स्मूदी। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो ट्राई दिस मसल बिल्डिंग मील, 60 ग्राम लीन वेजिटेरियन प्रोटीन। सो अच्छी बॉडी बनाएं, नेचुरल रहें, यही मेरा मोटिव है कि आप लोगों को इंस्पायर कर सकूं ड्रग फ्री इंडिया फिटनेस के लिए, एक नेचुरल फिटनेस के लिए। सो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।